आजादी तुम ना दोगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हमारी प्यारी आजादी तुम ना दोगे, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे। क्या भसड़ है बे, 15 अगस्त को भी आजादी चाहिए। सेक्युलर धर्म पे आती है तो मैं नोट देता हूं, मजहब पे आती है तो मैं फोड़ देता हूं। हे गाइस, आदाब, आमीन, हाय, आमीन नमस्कार छोड़ के सब कुछ, क्योंकि ये सेकुलर नहीं है। ओ रहीम चाचा और एंथोनी गोंजाल्विस के कंफ्यूज हाइब्रिड, चुपचाप बैठ जा, तेरे बाप का शो नहीं है। देखिए वो बाबू, ये बहुत गलत है, आप इंसल्ट कर रहे हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम हिंदू मेजॉरिटी नेशन में होकर सनातनियों को बेइज्जत कर सकते हो, तुम खुलेआम मोदी को गरिया सकते हो, तुम केजरीवाल को थपड़िया सकते हो, तुम राहुल गांधी को मम्मी खत्म। It's all over. Worry not mother. मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें आप यहाँ से घास डालोगे, यहाँ से दूध निकले। Company and vandalized the premises to protest against a recent advertisement by the company, which they alleged appeared to mock Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Sorry, वो नहीं कर सकते। तो भाई तुमको कौन सी आजादी चाहिए बे? देखिए वो बाबू, इस्लाम खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है, लाउड स्पीकर में नमाज करो तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, धर्म का प्रचार प्रसार करो तो लोगों को प्रॉब्लम होता है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन खतरे में है। इतना सब हो करके आप पूछते हैं कि किस बात की आज़ादी चाहिए? हाँ, इस्लाम खतरे में है, फिर बड़े मुसलमानों को 4 शादियाँ लीगल हो, लेकिन इस्लाम खतरे में है। फिर भले इस्लाम इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन हो, फिर भी इस्लाम खतरे में है। फिर भले हिंदी भाषा को लतिया कर मुल्लों की भाषा को गवर्नमेंट जॉब में घुसेड़ा जाए, लेकिन इस्लाम खतरे में है। वाह भाई, पर हाँ, आज सबकी उतरेगी। अबे तुम सेक्युलरिए, जिसको धर्म का प्रचार प्रसार बोलते हो, हम उसको कॉमन भाषा में धर्मांतरण बोलते हैं। ऐसे सूट बूट वाले टार्जन हर कोने में मिल जाएंगे। इसी प्रचार प्रसार के कारण सारा नॉर्थ ईस्ट आज क्रिश्चियन हो चुका है, और आज भी ये हो तुमको आदिवासी इलाकों में दिख जाएगा, लेकिन यहाँ कोई प्यू फाउंडेशन रिसर्च करने नहीं आएगा। देखो किस तरह से गाँव में प्रचार प्रसार किया जाता है। आज हम उड़ीसा के कंदमाल जिले के जुआ गुड़ा गाँव में खड़े हुए हैं, जहां पर 70% लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। राधिका उठान सिंह क्रिश्चियन, दस्तूरी पाठ में क्रिश्चियन। राइटर के जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जब तालिबान हत्या कर देता है तो सारा मीडिया भौंकने लगता है, लेकिन वही सुदर्शन न्यूज जो कि हिंदूवादी चैनल है, उसके जर्नलिस्ट मनीष सिंह की आंखें निकाल कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है तो सारा मीडिया चुप है। कहाँ है टाइम्स ऑफ इंडिया? कहाँ है तुम्हारा सेक्युलर वॉशिंगटन पोस्ट? कहाँ है द हिंदू? कोई इसकी कवरेज नहीं करेगा। यह है तुम्हारा सेक्युलरिज्म। हिंदू कंट्री में हिंदू के जान की यह कीमत है आज। अबे आजादी की बात करते हो। हाँ, आजादी चाहिए, धर्मांतरण से आजादी चाहिए, सेक्युलर यापा से आजादी चाहिए, क्रिंज कंटेंट से आजादी चाहिए, और सबसे बढ़कर एक हिंदू होकर जीने की आजादी चाहिए। पर वो बाबू, ये आप गलत बोल रहे हैं, आप संघियों की तरह बात कर रहे हैं। चल बे लिब्रांडू। और आप लोग क्या देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं। और इस मंगलवार को 17 अगस्त रात 9 बजे हमारे साथ लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जुड़ने से मत चूकिएगा। पिछले एपिसोड के अंत में एक देवी जी ने कमेंट किया था कि वीडियो को थोड़ी मुस्कुराहट के साथ एंड करते तो ज़्यादा अच्छा होता। प्लान तो आज का ऐसा ही था, लेकिन जब मनीष सिंह की निर्मम हत्या की जब खबर मिली तो आज मुझसे ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आज का वीडियो मैं वीर हिंदू वीर मनीष सिंह को समर्पित करता हूँ। जय हिंद।